स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में, तो आप विंडोज़ 10 के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से एक ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसको यूज़ करने के बाद आप अपनी ऑनलाइन क्लासेज में व्हाइट बोर्ड को इजिली यूज़ कर पाएंगे। और इस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करा हुआ है और यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं ये लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का जो ऐप है वो मुझे दिखने लग जाएगा। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के एप्लीकेशन को मेरे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हो रहा है दिस प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, और यहाँ पे मुझे एक टैब मिल रहा है लॉन्च करने का, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन किस तरह से दिखाई देता है। तो ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड जो कि एक काफ़ी एडवांस व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, इसको आप जब यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो गूगल का जैम बोर्ड है कुछ कुछ उसके तरह ही दिखता है, बट उससे ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे व्हाइट बोर्ड जितने भी आपने बनाए होंगे सब दिखने लग जाएंगे। और ये अभी मैं व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आपको टूल बार दिखाई देगी जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेन्स मिल जाएंगे। ये देखिए, जब मैंने इसे क्लिक करा तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पेन्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मार्कर मिल जाएगा, हाइलाइटर मिल जाएगा, इरेजर मिल जाएगा, रूलर आपको मिल जाएगा, और लासो सेलेक्ट टूल आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइपिंग करने के लिए एड टेक्स्ट का टूल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नोट बनाने के लिए नोट्स मिल जाएंगे, इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू है जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पीडीएफ को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इंकिंग के जो टूल हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंकिंग के जो टूल हैं ये आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे अलग अलग कलर्स आपके पास हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मल्टी कलर टूल भी है जिसको रेनबो पेन इन्होंने बोला हुआ है, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने कलर्स जो है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, ये गैलेक्सी पेन है, यहाँ पे ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये हाइलाइटर है, और ये इरेजर है, और ये लासो सेलेक्ट टूल है। लासो सेलेक्ट टूल में आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे और आप उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया है और आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको वापस एक बार डिलीट करके बता रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और इसके साइज़ को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर सकता हूँ। मैंने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए टाइप करने के लिए टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडू और रीडू के बटन भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स है, इस तरह से आप यहाँ पे नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने बोर्ड पे कुछ नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस पर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा तो वापस मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ पर अंडू और रीडू के बटन, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिए हुए हैं। यहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइब्रेरी, बिंग इमेज या कैमरा के थ्रू इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप कैमरा से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लाइब्रेरी से इंसर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स रखी हुई हों तो आप पिक्चर्स के अंदर जाके पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो पिक्चर को मैंने इंसर्ट करके डिलीट कर दिया। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और एडवांस वाइट बोर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिवाइस में इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड को ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इन्हें उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को वाइट बोर्ड यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।